नवनिर्वाचित सरपंच और अधिकारियों को पंचायत राज कार्यशैली का प्रशिक्षण देने के लिए को भीलवाड़ा के एक निजी होटल में राजस्थान पंचायती राज अमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते और पूर्व मंत्री व मांडल विधायक रामलाल जाट ने सरपंचों को कार्य प्रशिक्षण दिया। इस दौरान गांव में विकास कार्य, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन के बारे में समझाया गया। कार्यशाला में जिला प्रमुख बरजी देवी भील, जिला परिषद सीईओ रामचंद्र बैरवा और अतिरिक्त जिला प्रमुख सीईओ नंदकिशोर राजोरा भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि नवनिर्वाचित सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कि वे पंचायती राज योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित कर सके। इसके साथ ही गांव में विकास के लिए जीपीडीपी प्लान के बारे में भी इन्हें जानकारी दी गई। पूर्व मंत्री व मांडल विधायक रामलाल जाट ने कहा कि इससे गांवों के विकास में सरपंचों की भागीदारी बढ़ेगी और वह सभी को साथ लेकर केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। एक गांव ढाणी हर वार्ड में लोगों को जागृत करके एक्शन प्लान बना के उनका विकास सुचारू रूप से हो, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाओं को अच्छी तरीके से गांव में लागू भी हो और प्रत्येक व्यक्ति का भला हो, धर्म निरपेक्ष, समाजवाद, समानता, छुआछूत से उठकर इस प्रोग्राम से लोगों में भावना बनेगी भाईचारे की। एक बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ। जिला परिषद, जिला प्रमुख जी और सीओ साहब, जिला कलेक्टर साहब को मैं धन्यवाद दूंगा, खासतौर से मुख्यमंत्री जी को। अगर ये ट्रेनर सही ढंग से इसको इम्प्लीमेंट जिस तरीके से शुरुआत हुई गांव तक करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाएं गांव गांव तक पहुंचेगी और उनका आर्थिक जीवन स्तर भी ऊंचा आएगा और सारी योजनाओं की जानकारी उनको मिल पाएगी, गांव का भला होगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं सभी जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहिबान, साथ ही जो हमारे अधिकारीगण हैं उनका ट्रेनिंग किया जा रहा है, तो ये लोग पंचायत समिति स्तर पर प्रधान पंचायत समिति सदस्य सरपंचों को भी प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है। नवनिर्वाचित सभी सदस्य, सरपंच, प्रमुख, प्रधान, इनके लिए पूरी पंचायती राज की योजनाओं की जानकारी, उसका किस तरह से क्रियान्वयन किया जाता है और उनमें किस तरह की कोई अड़चनें आती है तो उसके क्या समाधान हो सकते हैं, इसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। इसी के साथ साथ जैसे विधायक महोदय जी ने बताया कि एक गाँव का समुचित विकास हो सके, इसलिए जो जीपीडीपी प्लान है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और सभी समाज के सभी घटकों का अच्छे से विकास होने के लिए सभी लोग सजगता से काम करने की दिशा में ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम किया गया है।